लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले सत्तारूढ़ दल बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही मीटिंग अब खत्म हो गई है। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संगठन मंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव परिणाम आने से पहले सीटों को लेकर पार्टी असेसमेंट पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्रबंध का काम देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े और तरुण चुग अपना अपना असेसमेंट भी दे सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गई है। सभी 7 फेज में क्या मतदान हो रहा है, कुछ जगहों पर कम वोटिंग हुई है, इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी। ओवरऑल लोकसभा चुनाव की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जब कल मतगणना होगी तो सभी बूथों पर काउंटिंग एजेंट सहित समय पर पहुंचेंगे। इसके अलावा बैठक में राज्यों के काउंटिंग की तैयारी की बातचीत हुई। बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बैठक में कल नतीजों के बाद किस तरह से जीत का जश्न मनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा हुई। कुछ राज्यों में जहां पर सीटें कम मिली हैं वहां पर बेहतर परिणाम रहा, उन सभी बातों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मनोहर लाल खट्टर की अलग-अलग बैठक हुई। हरियाणा में बीजेपी एग्जिट पोल को खराब प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय में वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में हरियाणा को लेकर खट्टर भी चर्चा में है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं शाम करीब 4 बजे वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। बिहार में क्या बेहतर किया जा सकता है, नीतीश का सेहत साथ नहीं दे रहा है, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे नई रणनीति बन सकती है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार सेहत को लेकर भी मिले होंगे। एनडीए के दूसरे घटक दल नहीं मिलने आए, लेकिन सिर्फ नीतीश आए और इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। एग्जिट पोल में बिहार में इस बार एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सीटें कम होने का अनुमान है। एग्जिट पोल के सर्वे में एनडीए को 27 सीटें तो इंडिया को 12 सीटें मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। इसके अलावा एक सीट अन्य को मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को बिहार में 12 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी में अपने कोटे से सभी 17 सीट जीत सकती है, लेकिन जेडीयू अपने कोटे में से 16 में से सिर्फ 7 सीटें ही हासिल कर सकती है। वहीं एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान अपने कोटे में से 5 में से 4 सीटें ही जीत सकते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 तो वहीं जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।